हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। और टाइम शायद 1:30 का हो रहा है और आज थोड़ी सी सिटिंग चेंज कर दी है। यहाँ पे मैंने ये लगा दिया आटे का ये और बॉटल्स, दोनों चेयर इधर कर दिए। इधर जो बड़ा सोफ़ा डला हुआ था वो मैंने निकाल के भी बाहर किया हुआ है क्योंकि आज ये घर पे है। वैसे तो 2 दिन से इनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही, तो थोड़े से आज ये बेटर फील कर रहे थे तो थोड़ा सा मैंने इनको अपने साथ लगा के काम में लगवा दिया क्योंकि अकेले मैं नहीं कर पाती भारी सामान का। अगर मैं भारी सामान उठाती हूँ तो मेरी जो नाभि है वो ऊपर आ जाती है, कलेजे पे आ जाती है और बहुत पेन करती है, तो मैं ज़्यादा भारी सामान नहीं उठा सकती हूँ। तो मुझे चाहिए होती है हेल्प किसी की भी, कुछ भी अगर भारी सामान इधर से उधर करना होता है। और अभी धीरे धीरे कर रहा है, बाहर भी बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा। और वैसे मैं सुबह नहा ली थी, शावर ले लिया था बाहर भी, अभी सब बाहर भी ऐसे ही फैला पड़ा है। और इधर भी अभी शायद नीचे गए हैं, मम्मी ने आवाज़ मारी है तो नीचे गए हैं, तो ये करवा रही हूँ धीरे धीरे जो भी होता है। और फ्रिज मैंने थोड़ा सा इधर सरका दिया है, और जब पूरा तैयार हो जाएगा, क्योंकि ना मेरा मंदिर लगाने की जगह नहीं थी, तो जब से हमने उधर से शिफ्ट किया है तो मंदिर नहीं लगा हुआ मेरा, तो मैं मंदिर अब इस पे बनाने की, इस टेबल पे मैं मंदिर लगाने की सोच रही हूँ। इस टेबल पे ही मंदिर का ही सामान है सारा, किताबें वगैरह मंदिर की जो है वो सब उसी में है, तस्वीर वगैरह सब उसी में है, तो उसी पे मंदिर लगा। क्योंकि अगर हम तो ये सोफ़े बेचना चाहते हैं, एक्चुअल में बात ये है, सोफ़े हम बेचना चाहते हैं और दूसरा सेट लेना चाहते हैं सोफ़ों का, लकड़ी वाला जो होता है वैसा लेना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह घेरते हैं और इतनी जगह इस घर में है नहीं, तो इस वजह से। और बिक नहीं रहे सोफ़े जल्दी से, और जब ये बिकेंगे तब न्यू लेंगे। तो चलो मैं आपसे थोड़ी थोड़ी देर में। मैंने यहाँ पे बरामदे में, ये बरामदा बोल लो आंगन बोल लो, इसमें मैंने ये बड़ा वाला सोफ़ा और एक चेयर रख दी है। और ये जो कूलर का रैक था वो मैंने यहाँ पे लगा, इसके लिए पेंट लाना पड़ेगा, इस पर पेंट करना पड़ेगा क्योंकि कूलर पानी वगैरह की वजह से पहले ही बाहर रखा रहता था तो इसमें जंग लग रहा है, तो ये करना पड़ेगा। और इधर मैंने 2 चेयर डाल दी है सोफ़ों की, और टेबल मैंने इधर लगा दिया है। उस कमरे कुछ मैंने चेंज नहीं किया, उस कमरे का सामान जैसे था वैसे का वैसा ही है, कुछ चेंजिंग नहीं हुई, बस इस कमरे में चेंजिंग हुई है और यहाँ बाहर बरामदे में, क्योंकि ये दोनों सोफ़े इसी कमरे में पड़े थे। और एक बड़ा सोफ़ा उस वाले जिसमें मेरा बेड है उसमें पड़ा है, और एक चेयर उसमें पड़ी है, तो ये ऐसे पड़े थे। अब ये लगा दिए इस तरीके से मैंने फ़िलहाल, तो बाकी देखो कैसे होता है। और आज मुंह पे कुछ लगाने तक का टाइम नहीं मिला है, फेस ऐसे कैसा है, और जुकाम ने बहुत बुरी हालत कर रखी है, छींके मार मार की बुरी हालत हो रही है मेरी। और दूध मैंने बॉयल होने के लिए रखा है, चाय पी ली थी, चाय हमने 4 बजे पी ली थी, और अब टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं, करेक्ट 5 बज रहे हैं। 4 बजे हमने चाय पी ली थी, तो दूध बॉयल नहीं रखा था क्योंकि मैंने पहले सारा, मैं झाड़ू लगा के सारा साफ करके अब मैंने हाथ वगैरह धो के फिर मैंने दूध रखा है। और चाय तो पीनी जरूरी थी, एनर्जी चाहिए थी, काम सुबह से लगे 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 टाइम हो गया, 5 बज गए। और अभी मंदिर अभी भी सेट नहीं हुआ है, मंदिर का सामान अभी मुझे साफ़ करके फिर लगाना है। मैंने सोचा पहले ये काम कर लेती फिर मंदिर, तो मैं आराम से बैठ के करती रहूँगी, और जुकाम की वजह से भी नहीं बोला जा रहा। पापा जी आए ऊपर, कह रहे तुम तो सुबह से ही लगे हुए हो, क्या कर रहे हो ऐसा। तो हमारा ये जो सोफ़ा था ना बड़े वाला जो बाहर है, इसकी सिलाई उधड़ रही थी तो ये सिलाई करने लग गए। ये कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेते हैं, मतलब कुछ ना कुछ, ये यहाँ से सिलाई इसकी उधड़ रही थी, ऊपर वो खड़ गया था तो इन्होंने सिल दिया। जुगाड़ तो ये हर चीज़ का कर लेते हैं, कोई चीज़ ख़राब हो जाए ये खुद ही ठीक कर लेते हैं, कुछ भी चीज़ ख़राब हो जाती है ना तो ये खुद ही ठीक कर लेते हैं, हमें ये नहीं सोचना पड़ता कि दूसरे किसी से बाहर से किसी को बुलाना पड़ेगा, ठीक कराना पड़ेगा, ये खुद ना खुद कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा ही लेते हैं। और जब इनसे नहीं होता, जो बिल्कुल ही नहीं होता, तो सारा हर तरीका आजमा लेते हैं, तब हमें बाहर से, जैसे कि हमारा नलका ख़राब हो गया था बाथरूम का, पानी उससे टपकता रहता था, इन्होंने हर जुगाड़ लगा लिया, वो खुल के नहीं दे रहा था, एक्चुअल में उसमें जंग लग गया था तो खुल के नहीं दे रहा था, फिर हमें बाद में जाके प्लम्बर बुलाना ही पड़ा, फिर प्लम्बर ने वो खोला फिर नलका फिट किया। तो चलो थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ, थक चुकी बिल्कुल, चावल साफ़ करने जा रही हूँ, बिल्कुल रोटी वगैरह कुछ बनाने का मन नहीं है, हिम्मत ही नहीं है। इवन मैं सोच रही थी मशीन लगाऊंगी कपड़े धोने के लिए इस टाइम, वो भी हिम्मत नहीं है, कल सुबह देखूंगी मैं मशीन लगाने की, अब बिल्कुल हिम्मत नहीं है, थक चुकी बिल्कुल अच्छे से मैं। और बाहर किसी के बारे में बातें हो रही हैं, मतलब ना सामने वाले हैं ना तो वो अपने छोटे भाई, उनकी टांग खिंचाई कर रहे हैं,
देखो, और मेरा देवर छत पे से कूद के उन्हीं के पास चला गया, क्योंकि टांग खिंचाई हो रही है उनकी शादी को लेकर। तो चलो मैं इनको चावलों को साफ कर देती। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ जी, क्योंकि 12 से शायद 12 बज चुके हैं या 12 से ऊपर का टाइम हो रहा है, और ये ड्यूटी गए थे और फिर आधे रास्ते से वापस आ गए, क्योंकि इनके अचानक से फिर इन्हें ठंड लगने लगी और बुखार जैसी फीलिंग होने लगी, तो ये आ गए आधे रास्ते से ही वापस। हाँ, 12 बज चुके हैं और कल के व्लॉग की मैं एंडिंग करना भी भूल गई थी, और ये बैठ के देख रहे हैं टीवी। ये रहे, हाय कर दो सबको, और टीवी की आवाज़ कम कर लेते, और सुबह से काम करते करते ये टाइम हो गया आज, क्योंकि कपड़े बहुत सारे हो गए थे, चार पाँच दिन के हो गए थे, और चार पाँच दिन के मतलब मैं दिन में दो जोड़ी चेंज कर लेती हूँ, एक जैसे अभी पहने, फिर शाम को मैं दूसरे पहन लेती हूँ, टी शर्ट और वो नीचे लोअर वगैरह या प्लाजो वगैरह कुछ भी, तो वो चेंज कर लेती हूँ, तो इसलिए 10 जोड़ी मानो मेरे ही हो गए, और फिर इनके भी हो गए, तो कपड़े बहुत सारे हो गए थे। फिर बेडशीट भी दो दो हो गई थी, क्योंकि बेडशीट में ज़्यादा दिन नहीं लगती, मैं दो दिन में उतार देती हूँ, तो दो बेडशीट हो गई थी, ये दोनों बेडशीट यहीं पे टंगी हुई हैं, कपड़े ऊपर छत पे एक के ऊपर एक डाले हैं, क्योंकि एक ही तार है तो उसी के ऊपर एक डालने पड़ते हैं। और सुबह से धूप नहीं थी, पर अब धूप आ गई है, पर आ रही है, जा रही है, हवा अच्छी चल रही है, पर हाँ। और ये जो पेड़ कटा था उस पर भी हल्की हल्की फुलक सी निकलनी शुरू हो गई है, अंकुर से फूटने लगे हैं नीम के, यानी बिल्कुल काट दी थी उसकी, अब इस पर आने लगे हैं पत्ते, और यहाँ पे मैंने ड्रिल करा दिया इनसे, अब उसमें पड़ दे। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, और चाय बनने के लिए रख दी है, ऑलमोस्ट बन चुकी है चाय। मैं सोची पास्ता बनाने की, जो काम की वजह से बिल्कुल हालत ख़राब है मेरी, तो मैं थोड़ा सा पास्ता बनाती हूँ। और मैं जब आपसे बात करी थी तो मम्मा का कॉल आ गया था, फिर मम्मा से बात करी, और उसके बाद हाँ मम्मा से भी मैंने कम से कम आधा घंटा, इन्होंने भी बात करी, मैंने भी बात करी, दोनों ने बात करी थी, तो आधा घंटा हो गया था बात करते करते। फिर उसके बाद इन्होंने खाना खाया, तो फिर उसके बाद मैं सो गई, क्योंकि आज मैं सुबह थोड़ा जल्दी उठी थी, तो कितने बजे, 4:30 बजे, हाँ 4:30 बजे उठ गई थी मैं आज, तो उसके बाद फिर मुझे नींद आ रही थी, फिर मैं सो गई, और अभी उठी हूँ मैं जस्ट 4:45, यानी 4 बजने में 15 मिनट थे, तो मैं उठी हूँ, और फिर मैंने चाय रखी, झाड़ू लगा दी, जितने भी खाने के बर्तन थे सारे सिंक में डाल के मैं पानी डालकर आई हूँ, ताकि वो थोड़े से फूल जाए, क्योंकि इन्होंने मेरे बाद खाना खाया, मैंने खाना खा लिया था, मुझे भूख लग रही थी, और ना गले में ना इससे जुकाम की वजह से बहुत खराश सी हो रही है, और खांसी भी हो गई अब तो मुझे, तो मैं पास्ता निकाल लेती हूँ और प्याज वगैरह काट लेती हूँ, गैस पे पास्ता को बॉयल पानी में रख देती हूँ और प्याज वगैरह कट करती हूँ, चाय बन गई है, चाय पास्ता हो जाएगा खाने के लिए। और ये नीचे गए हुए हैं जहाँ गाय बंध रही है, वहाँ पे गए हुए हैं, तो चलो करते हैं हम काम शुरू। प्याज कट कर लिए, टमाटर नहीं है, टमाटर है नहीं, ख़त्म हो गए टमाटर, और कल ही सब्जी लेकर आए हैं, टमाटर नहीं लेकर आए, देखो इनकी भुलक्कड़पन की आदत, जो कि मैंने इन्हें स्पेशल बोला था कि लहसुन नहीं है, टमाटर नहीं है, अदरक नहीं है, प्याज तो थी फिर भी मैंने प्याज बोली थी, पर टमाटर नहीं लेकर आए। और ये हो रहा है, तो मैं इधर की गैस पे, मैं सोच रही इसे इधर रख देती हूँ और इधर की गैस पे कढ़ाई रख देती हूँ, और एक बार इन्हें मैं फ़ोन कर देती हूँ कि आ जाएं चाय पी लें, तो चलो मैं कर दूँ। तो हे गाइस, मैं जब पास्ता बना रही थी उसके बाद वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, उसका रीज़न ये था कि कोई आ गया था, कोई वो जो बिंडू यश जो छोटा सा बाबू है उसकी मम्मा आई थी घर पे, तो उसके बाद वीडियो में रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि वो उन्हें वीडियो में नहीं आना था, मैंने कहा कि आ जाओ, पर वो कह रहे नहीं मैं वीडियो में नहीं आऊँगी, तो फिर उसके बाद मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी। एक्चुअल में वो घर पर आई थी दही वड़े की रेसिपी पूछने के लिए कि दही वड़े कैसे बनाते हैं,
फिर कोई आता है थोड़ी देर, तो फिर बातों में बातें निकलती जाती है। बातें करते 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 उस टाइम शायद 4:30-4:15 का टाइम हो रहा था, और बातें करते करते 6:30 का टाइम हो गया, और हम बात करते रहे। खाना भी मैंने अब बनाया है, जल्दी जल्दी बनाया। अब 7:15-7:30 का टाइम हो रहा है, और दूध मैंने अब गर्म रखा है। दूध भी नहीं गर्म रखा था मैंने तब से, बस फिर फटाफट मैंने आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाई है, रोटी बना दी है। दूध मैंने अब गर्म रखा है, और छत से कपड़े भी नहीं उतर कर आया, यानी मैं कपड़े उतारने जाने वाली थी। फिर कोई आ जाता है तो बैठना पड़ता है, ऐसे उठ के जाते हुए अच्छा नहीं लगता। तो फिर कोई रोज़ तो हमारे घर आता नहीं है। और बस अभी जस्ट पूजा करी है इन्होंने और मैंने, साथ में ही करी है। और अब मैं जा रही छत से कपड़े उतारने, साथ में इनको लेके जाऊंगी, क्योंकि ऊपर एक तो अंधेरा है, फिर मैंने बताया ना खुला एरिया तो बंदर आ जाते हैं, तो मुझे लगता है डर, तो साथ में इनको ही लेके जाने वाली हूँ मैं। तो चलो चलते हैं ऊपर। हाँ जी, छत से कपड़े उतार के लाने हैं। चलो तो चलते हैं, कपड़े उतारते हैं। और बर्तन भी आज कितने सारे हो गए थे, क्योंकि वैसे मैं साथ के साथ होती थी, फिर वो चाय के हो गए, फिर खाने के हो गए, फिर अब आटे वगैरह जो अब खाना बनाया उसके हो गए, बहुत सारे हो गए थे। हाँ जी आ जाओ, तो चलो चलते हैं। खाना हमने खा लिया है, और टाइम हो रहा है 8:30। 8:30 हो रहा है, खाना खा लिया, और बाकी सारा खाने का सभी वो उसमें से पानी नहीं निकला है जाएगा, तो फिर मैं यहाँ पे रख दूँगी, बर्तन लगाऊँगी सुबह ही। और उस वाले कमरे में फ़ैन चल रहा है, तो उसमें ना ठंड लग रही है मुझे, तो मैं इस कमरे में आ गई थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठने के लिए। बाहर ठंडी हवा चलने लगी, ऊपर छत पे गए थे कपड़े उतारने के लिए, तो बहुत ज़्यादा ठंडी हवा लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा। तो आपको मेरा छोटू सा व्लॉग जो कि कंटिन्यू रखा है मैंने कल के व्लॉग को, क्योंकि मैं कल व्लॉगिंग कर नहीं पाई थी प्रॉपर तरीके से, मैं थक गई थी, बिल्कुल थक गई थी, तो नहीं कर पाई थी। ये इसमें तस्वीरें वगैरह रखी हुई थी, तो ये भी यहीं पर रखा है, क्योंकि मंदिर इन्होंने लगाया है, पूरा सेट इन्होंने किया है। मैंने सिर्फ जोत वगैरह धो के दे दी थी इनको सुबह, और ये पूरा सेटिंग इन्होंने करी, और ये इन्होंने थैला यहीं पे रख दिया। तो कल मैं थक गई थी, इस वजह से पूरी व्लॉगिंग नहीं कर पाई थी, तो इसीलिए मैंने आज ये व्लॉग कंटिन्यू रखा। छोटा ही व्लॉग बनाती हूँ, आप लोगों को पता है, और मेरे ख्याल से आप मेरे व्लॉग से बोर भी हो जाते हैं, इस वजह से मैं छोटू मोटू से ही व्लॉग बनाती हूँ। तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, और चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो मैं आपसे कल मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ। आई हो क्या बोल रही पता नहीं एक तो खांसी और धसक उठ रही है गले में। तो आई होप आपको मेरा छोटू मोटू सा व्लॉग अच्छा लगा हो, तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो आपने मेरे व्लॉग को यहाँ तक देखा, उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। बाय बाय, तो बाय बाय। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, नीचे लाल कलर का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि आप मेरी हर वीडियोज़ को देख पाएँ। और हाँ, बेल नोटिफिकेशन भी दबाइए, ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए। तो बाय बाय। हाँ जी, अच्छा पास्ता कैसा बना था वो तो बता दो सबको, हैं? मैंने तो, मुझे तो अच्छा ही लगता है मेरे हाथ का, नुक्स तो तुम ही निकालते हो। अच्छा इसकी बाहर तो निकलो, सारी कश्मीर की बर्फ यहीं गिर रही है। पंखा बंद करूं? पंखा बंद नहीं करना। अच्छा टीवी बंद कर दूं? तो भाई टीवी भी बंद करने के लिए बोल दिया इन्होंने, इन्हें लग रही है ठंड। हटा दिया मैंने कैमरा आपके सामने से, वीडियो नहीं बनानी। क्यों नहीं बनानी? क्योंकि अभी इन्होंने अपनी शेविंग नहीं कराई है ना, इसलिए नहीं आ रहे ना वीडियो में। हाँ मैं समझ गई, ये वीडियो में इसलिए नहीं आ रहे, और मेरी बिंदी हो गई टेढ़ी, इन्होंने शेविंग नहीं कराई है इसलिए ये नहीं आ रहे वीडियो में। वैसे इन्हें इतनी ठंड लगती है, और सुबह जब ड्यूटी जाते हो तब मैं आपसे कहती हूँ जैकेट ले जाओ जैकेट ले जाओ, तब तो नहीं लेके जाते, तब हीरो बन के जाना है ना।
जी, तब हीरो बन के जाना होता है, तुम सो ही नहीं रहे। हाँ तुम सो रहे हो, झूठे मक्कार, ये सो रहे हैं। बिंदी, ये कौन सी मूवी है? बिंदी, बिंदी मूवी शुरू हुई है और ये शायद मेरे हॉरर मूवी लग रही है मुझे देखने में तो। अच्छा कर रहे हो, तुम्हें तो नींद आ रही है। ओके ये कौन है, इतना डरावना सीन। वो लेडीज देखो कैसी बैठी है। हाँ जी वो देखो लेडीज कैसे बैठी है। तीन तीन जेंट्स आए हैं। वो गेट बंद हो गया भाई, वो हवा में आ गई, हवा में।